यह इकाई 19 जल विज्ञान भारती कक्षा 7। कम से कम शब्दों में उत्तर दीजिए। देखिए, जल एक यौगिक है, ये कितने तत्वों से मिलकर बना है? जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दो तत्वों से मिलकर के बना है। देखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दो परमाणु। जल की अव्ययी तत्वों के नाम लिखिए, तो इसमें हाइड्रोजन तत्व होता है और ऑक्सीजन तत्व होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है H2O। क्वेश्चन सी है, हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु मिलकर किस यौगिक का अणु बनाता है? तो ये क्या है, देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो मिलके प्लस ऑक्सीजन, तो HOH यानी कि H2O यानी जल का एक अणु बनाते हैं। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पृथ्वी को यदि 4 हिस्सों में विभाजित किया जाए तो कितने हिस्से में जल होगा? तो देखिए, 3/4 जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? वो 22 मार्च है इसका आंसर। जल कितने तत्वों से मिलकर बनता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल में घुल सकता है ठोस, गैस, द्रव। जल एक अच्छा विलायक है और उसमें सभी चीज़ें घुल सकती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल को गर्म करने पर उसकी विलयता, देखिए गर्म करने पर जल की विलयता बढ़ जाती है। सही मिलान कीजिए, जल H2O, कैल्शियम सल्फेट CSO4, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और NaCl होता है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, जल की स्थायी कठोरता एवं स्थायी अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी लवण। देखिए, स्थायी कठोरता जो होती है वो क्लोराइड्स की वजह से होती है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और जो अस्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। जल को प्रदूषित करने वाले अपशिष्ट तत्व और पदार्थों के नाम हैं साइनाइड, मर्क्यूरिक, ये सब जो कारखाने होते हैं उनका वेस्ट होता है, शीशा, आर्सेनिक, रेडियोधर्मी पदार्थ और प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आओ बच्चों ORS बनाएं। देखिए, ORS का घोल कैसे बनाया जाता है? पानी, उसमें चीनी मिलाएंगे और नमक मिलाएंगे। इस विलयन का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी को डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी होती है तो हम उसको ORS का घोल पिलाते हैं। जल की वैज्ञानिक कहानी। जल एक यौगिक है जो दो तत्वों से मिलकर बना है जिनके नाम हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। जल एक अच्छा विलायक है जिसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रकार के पदार्थ घोले जा सकते हैं। शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और पारदर्शी द्रव है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड और जल का हिमांक यानी जिस पर जमता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। जल को ठंडा करके बर्फ में बदला जा सकता है एवं गर्म करने पर भाप में बदला जा सकता है। जल में कुछ पदार्थ घुले होते हैं जिन्हें लवण कहते हैं, और इन लवणों की अधिक मात्रा में उपस्थिति होने पर जल कठोर कहलाता है, और ये कठोरता जो होती है वो दो प्रकार की होती है, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके घर में जल कहाँ कहाँ से आता है? शहरी घरों में एवं ग्रामीण घरों में जल प्राप्त करने का क्या क्या स्रोत है? इस जल को व्यर्थ बहने रोकने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, शहरी और ग्रामीण घरों में जल नलकूपों, पानी की टंकियों आदि से आता है, और जल को व्यर्थ रोकने के लिए हमें करना क्या चाहिए कि हमें जल का जो है आवश्यकता अनुसार उपयोग करना चाहिए, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। मृदु जल कठोर जल में कौन अधिक उपयोगी है? मृदु जल अधिक उपयोगी है। घर में कपड़े धोते समय जो जल साबुन के साथ अधिक झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं। इस चित्र में क्या देख रहे हैं? देखिए, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि इसमें किस प्रकार की रासायनिक क्रिया हो रही है। लोहे का जंग से बचाने के लिए इसे क्या क्या उपाय कर सकते हैं? दिखाए गए चित्र में आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लोहे की कीलें वगैरह पड़ी हैं, और इसमें क्या हो रहा है कि नमी एवं वायु से क्रिया करके ऑक्साइड बना रहा है लोहा, जिसे जंग लगना कहते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर पेंट लगाया जा सकता है या किसी अन्य धातु का लेप चढ़ाया जा सकता है।